बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो देखें, लुक चेक करें और चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तीन खूबसूरत से ब्रेड हैं, तो जो दरमियान ब्रेड है ना, इसको हम और क्रिस्पी कर लेते हैं। इन दोनों को नहीं हम क्रिस्पी करेंगे, सिर्फ एक को क्रिस्पी करना है। तो चले मैं इसको तवे पे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँ। इसको हल्का सा क्रिस्पी कर लेते हैं, गोल्डन सा कलर लाना है इसके ऊपर। अगर आपके पास ग्रिल है तो उससे भी आप कर सकते हो। हर किसी के पास ग्रिल वाला पैन नहीं है तो आप तवे पर भी इसको ईजिली कर सकते हो। देखिए क्रिस्पी सी हो गया, ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून चॉप टमाटर है, 1 टेबलस्पून कैरेट, ये भी चॉप की हुई है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया ऐड किया है, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। अब इसमें मायनीज ऐड कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। स्टफिंग अच्छे से रेडी हो गई है, तो अब सैंडविच को रेडी करते हैं। ये दरमियान वाला है, इसको हम साइड पे अभी करते हैं। अब इस फर्स्ट वाले पे केचप लगाते हैं, इसके ऊपर केचप लगाएं और उसको स्प्रेड कर दें किसी स्पून से या किसी ब्रश से। केचप अच्छे से स्प्रेड होगी ऊपर। अब ये वाली स्टफिंग जो हमने मायनीज वाली रेडी किया, ये उसके ऊपर जाएगी। इतने मजे का हमारा सैंडविच रेडी हो रहा है। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। इसको साइड पे करें और ये दरमियान वाली है, इसके ऊपर मैं मायनीज लगाऊंगी। इसके ऊपर मायनीज स्प्रेड कर दें। हल्की सी और लगा लें। अब आपने ये मायनीज वाली जो है, ये आपने इसके ऊपर लगानी इस तरह ऐसे। अब इसके ऊपर फिर मायनीज लगानी है। ऊपर स्प्रेड कर दें। अब इसके ऊपर चिकन जाएगा, चिकन बॉइल्ड चिकन है और इसमें मैंने नमक डाल के इसको बॉईल किया हुआ है। और ये मैंने इसको चिकन को काश किया, छोटे छोटे पीसेस काट लेने आपने भी इस तरह के। ये कैरेट है, इसको भी मैंने काश किया हुआ है। और ये अब इसके ऊपर मोजरेला चीज़ लगाने लगी। ये मोजरेला चीज़ है, आपके पास जो भी हो आप वो कर सकते हो। ये मैंने मोजरेला चीज़ गार्निश किया इसके ऊपर। थर्ड पे फिर आपने केचप लगानी है। और इसके ऊपर स्प्रेड कर दे इस केचप को अच्छे से। इसके ऊपर टफिंग रख दे। अब आपने ये वाली लेयर फिर इसके ऊपर जाएगी ऐसे।
चले जी। अब लास्ट पे फिर मायनीज, इसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर चिकन, हल्की इसी ऊपर कैरेट स्प्रिंकल कर दें, बहुत जबरदस्त कलर इसका आएगा और फ्लेवर भी। अब लास्ट पे मोज़रेला चीज, ये काश की है मैंने। कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो चुकी है, आप इसको ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी ओवन में कर सकती थी, लेकिन मैंने, हर किसी के पास ओवन ही होता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में चीज़ को मेल्ट किया है। ये देखिए जी, अब अच्छे से इसको मेल्ट होने दें चीज़ को। देखें चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, और ये देखें फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े का, इतना यम्मी हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का सैंडविच रेडी हो गया है। देखें कितने मज़े का यम्मी सा हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, चेक करें, इतना ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।